तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सीरीज का फंक्शन दिया है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब और एक्स हमें पूछा ये बाउंडेड है यूसी है नॉट बाउंडेड नॉट यूसी, ऐसे ऑप्शन हमें बनाए गए। हमें पता है जो कंटिन्यूटी है वो क्या है, डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है। क्या है जो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या है, वो डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि डोमेन के पॉइंट पे ही हम कंटिन्यूटी को हम चेक करते हैं। अब देखो फंक्शन क्या दिया हमें, साइन एक्स क्यूब ओवर एक्स। अब इसको कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, वो सिर्फ जीरो पे ही हो सकती है और जीरो डोमेन में नहीं है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे डोमेन के फंक्शन को प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि एफ एक्स क्या है इज कंटिन्यूअस ऑन जीरो कॉमा इनफिनिटी। ठीक है जी, ये बात तो अब हमें पता है इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल आई, कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल आई एंड लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एंड पॉइंट्स एग्जिस्ट फाइनाइटली एट एंड पॉइंट्स then function is uniformly continuous but not conversely। ठीक है जी, यानी कि कोई फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में, या इंटरवल फाइनाइट लेंथ का हो या फिर इनफाइनाइट लेंथ का हो, अगर एंड पॉइंट पे हमारे पास जो लिमिट है फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है तो फंक्शन हमारा क्या बन जाता है, यूसी बन जाता है। पर कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। कन्वर्स के लिए अगर मान लो आप सेम ही इंटरवल लोगे, मान लो मैं इंटरवल लेता हूँ जीरो कॉमा इनफिनिटी, एफ डिफाइन करता हूँ और कहाँ से आर तक, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स देखता हूँ, देखो इनफिनिटी पे लिमिट क्या आ रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही फाइनाइटली, परंतु फंक्शन फिर भी क्या हमारे पास यहाँ पे यूसी बनता है। अब मैं बात करूँ जो हमें फंक्शन दिया गया है, फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स और ये कंटिन्यूस है। ठीक है जी, अगर हमारे पास लिमिट है जो एक्स टेंड टू जीरो एंड एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, एंड तो वहीं बनेंगे इंटरवल के, तो वहां पे अगर फाइनेटली एग्जिस्ट कर जाती है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा यहाँ से। यानी अगर मैं बात करूँ लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स के, क्या क्या मैंने एक्स केयर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स केयर से डिवाइड कर दिया, इसकी लिमिट वन आ रही है, इसकी लिमिट जीरो आएगी, प्रोडक्ट की लिमिट वन इंटू जीरो यानी कि जीरो बनेगी, यानी एग्जिस्ट कर रही है फाइनेटली। अगर मैं बात करूँ लिमिट एट इन्फिनिटी पे, यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, वो क्या बनेगा हमारे पास देखते हैं चलो, यानी कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स। ठीक है जी, परंतु साइन एक्स क्यूब क्या करेगा लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे, ये कभी माइनस वन से वन की डिसीमा ऑसिलेट करेगा, यानी कि बाउंडेड है, और वन ऑफ एक्स कहाँ जा रहा है जीरो पे, तो प्रोडक्ट की लिमिट क्या जाएगी, देखो बाउंडेड इंटू एक जाता है जब जीरो पे, तो प्रोडक्ट की लिमिट कहाँ जाएगी जीरो पे जाएगी, यानी कि जो ये भी क्या है एग्जिस्ट करती है फाइनेटली। ठीक है जी, यानी कि एंड पॉइंट पे लिमिट क्या है फाइनेटली एग्जिस्ट कर गई, इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन दिया वो क्या है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब अपॉन एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यह यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब चेक करना है फंक्शन हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड, क्या बनता है क्या नहीं बनता। अब हमें पता है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है देयर एग्जिस्ट, नो सॉरी पहले मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट किया हमने क्या एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास इज अनबाउंडेड है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन से हम इसको प्रूव करेंगे कि फंक्शन हमारा बाउंडेड है यानी कि अनबाउंडेड नहीं है।
एफ अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ए एन, कहां से, डोमेन से, यानी कि जीरो कॉमा इनफिनिटी, सच दैट एफ ऑफ ए एन क्या होगा, इज डाइवर्जेंट। सीक्वेंशियल जो क्राइटेरिया होता है किसी भी अनबाउंडेड फंक्शन का वही बनता है कि हमें डोमेन से एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी जब हम उस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारी एफ ऑफ ए एन बन के आएगा, क्या बन के आएगा, वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस बन के आएगा। ठीक है जी, अब यहां से देखो, बट जो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, बट एफ इज कंटिन्यूअस, दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल ए एन बिलोंग्स टू जीरो कॉमा इनफिनिटी, यानी कोई भी सीक्वेंस लेंगे सच दैट ए एन कहां पे कन्वर्ज करती है, मान लो ए पे कन्वर्ज करती है, देन एफ ऑफ ए एन वो कहां कन्वर्ज करेगी, वो एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करेगी, यानी कोई भी सीक्वेंस लेंगे हम, कोई भी सीक्वेंस डोमेन में से कोई भी सीक्वेंस लेंगे जो ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है, तो एफ ऑफ ए एन कहां कन्वर्ज करेगी, वो एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज करेगी, यानी कि कोई भी सीक्वेंस लेंगे, इसका मतलब क्या है, हमें कोई भी ऐसी सीक्वेंस नहीं मिली जो जिसकी इमेज यानी कि एफ ऑफ ए एन बनाएंगे हम, क्या आएगा, डाइवर्जेंट आएगी। इसका मतलब हमने क्या माना, हमने माना जो फंक्शन अनबाउंडेड वो हमारी कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या है हमारे पास, बाउंडेड फंक्शन है। तो यानी कि यहां से देखो अब क्या क्या ऑप्शन बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि फंक्शन बाउंडेड है एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। सेकंड कहता है बाउंडेड है नॉट यूसी, नॉट बाउंडेड बट यूसी, नॉट यूसी नॉट बाउंडेड, बट ऑप्शन क्या है हमारा, ए यहाँ से करेक्ट हो जाता है, क्योंकि फंक्शन क्या है हमारे पास, बाउंडेड भी है और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी है। ये था क्वेश्चन पेपर जीएस 2019 रियल एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।